Hello, assalamu alaikum everyone, welcome to my home. आज आप सब लोग इफ्तारी में हमारे घर पे इनवाइटेड है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का. मैं भी ठीक हूँ. एंड वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स, आप लोग भी ठीक होंगे. मैं यलोवा में हूँ. यलोवा तो मेरी विलेज है, आपको तो पता होगा. तो मेरे ओल्ड फॉलोवर्स का ये भी मेरे पीछे मेरी मंजर नज़र आती है. आज हम करेंगे हमारी इफ्तारी मेरी घर पे. मैंने आप लोगों को यही दिखानी है, तुर्की में एक चीज़ लाइक नॉर्मल तुर्किश फैमिली इफ्तारी कैसे करती है, इफ्तारी की बात क्या करती है. तो लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग. इफ्तारी बनाने से पहले मैंने आप लोगों का थोड़ी सी विलेज टूर भी कर लूँ, लाइक मैं कहाँ पर रहती हूँ. एक्चुअली थोड़ी सी आज रेनी है और थोड़ी सी मुश्किल होती है. चलो खैर है. इधर हमारी वो चिकन्स है, मैंने अभी देखना है अंडा है या नहीं. डेली रूटीन हम देखती है अंडा है या नहीं. अभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हमने इनके ऊपर भी बंद किया. अंडा देखती हूँ. गाइस आज तो कोई अंडा नहीं है. अंडा कहाँ पे? इतना खाना खाती है, फ्री खाती है आप लोग? देख लेती हूँ. नो गाइस, आज इनकी तरफ से कोई अंडा नहीं है. ये हमारे विलेज में स्पेशली हमारी तरफ पे बहुत ज़्यादा बिल्ली कैट्स होती हैं, क्योंकि हमारी आसपास अभी तो फ़िलहाल इतना गर्ज नहीं है. दूर भी नहीं है, नज़दीक भी है, लेकिन हमारी गार्डन वगैरह बहुत बड़े हैं ना, ज़्यादातर उनका हम खुद फीड करती हैं. ये भी मेरी विलेज में घर है. इधर हमारे एक छोटी सी गार्डन है. ये मेरे चाचू का घर है. ये सबसे ऊपर हमारी टेरेस है. मेरी ननू का घर है, उसके नीचे भी हमारी घर है. अभी मैंने आप लोगों को दिखानी है हमारी एक नया बकरे पैदा हो गया 2 दिन पहले. मैं आपको वही दिखाऊंगी. इतना क्यूट, इतना प्यारी बकरा है. ये गेट नज़र आती है ना, ये भी हमारी फार्म है. हमारी एक्चुअली मेरे अबू का खुद बिजनेस है, बहन से का बिजनेस हम वो ही करता है. गाइस ये भी हमारी फार्म है. अभी तो सारी बहन से सोती हैं, उनका खाना का टाइम हो रही है नियर अराउंड 5 बजे. हम ऐसे ऐसे छोटी बहन से काउज वगैरह लेके आती है, फिर कुर्बानी में ये सब सेल होती हैं. लेकिन तो सबसे क्यूट वन इधर ही है, मैंने वही दिखानी है आपको. कहाँ पे? इधर ही है. लुक एट हमारी छोटी बकरा. देख मैंने इसका नाम क्या रखना है यार, मुझे प्लीज इसके लिए नाम दे दो. सारी कमेंट्स पर के मैंने इसका एक नाम रखना है. ये उसका अम्मी है, बहुत गुस्सा वाला अम्मी, उसकी इजाजत नहीं दे. क्या 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 क्या? आ मेरी हैंड, उसने सोचा मेरी हैंड खाना है. अभी मैंने किचन में आया, इधर 4 बज गया, हमने इफ्तारी बनानी है. मैंने आपको दिखाना है हम खाना कैसे बनाती हैं, हमारी इफ्तारी कैसे होती है. अम्मी ने ऑलरेडी थोड़ी सी स्टार्ट किया है. आज हमने बनाना है दोलमा. ये हमारी पम्पकिन हो जाएगा और एक प्लांट हो जाएगा. और इसके अंदर के लिए हम क्या यूज़ करती हैं, इधर हम बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, इसलिए हमने ज़्यादा बनानी है. इधर है हमारी कीमा, उसके अंदर थोड़ी सी ऑयल, नमक एंड ये टर्किश राइस, टोमेटो पेस्ट, स्प्रिंग ओनियन. एंड इधर हमारी है धनिया, हमने धनिया भी रखना है. और इसके अंदर वो रेड चिली वगैरह भी है, धनिया रख के. और थोड़ी सी भी दूसरा वो वाइट वाला प्याज है ना, उसके रख के इसको मिक्स करनी है और इसके अंदर फिल करनी है. ये हमारे पहले करना है, इसका नाम है दोलमा. इसलिए हमने पहले इसके अंदर निकालना है, मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि हम इसके अंदर ये कीमा वाला से फिल कर देंगे. ये पहले सब अंदर निकालना है. इसका मैंने डस्टबिन में हम नहीं फेंकती, इसकी ये चीज़ें होती है ना,
हम इसमें से कोई और चीज़ भी बनाते हैं, कोई और खाना भी बनाते हैं, हम इसकी वाला वो साइड पे रख के फिर बाद में खाना में यूज़ करती हैं। ये देखिए इसके अंदर ऐसे एम्पिटी करनी है, फिर हमने इसके अंदर ये सब चीज़ें डालनी हैं। आप लोग मुझे थोड़ी सी टाइम दो, मैं ये सब का अंदर साफ करके वापस आती हूँ। यस, मैंने अभी सारी इसके अंदर फिल किया। अभी हम ऐसे पॉट के अंदर एक एक रखती हैं और उसके ऊपर वो टोमेटो पेस्ट वाला पानी डाल के हम इसको बॉईल कर देंगे। ये हमारी डोलमा है, पहले डिश रेडी हो गया और मेरी चची भी इधर करती है। और मैंने आप लोगों को ये कहा था ना, वो पम्पकिन के अंदर हम नहीं फेंकती हैं। ये इसके अंदर पम्पकिन है और ये धनिया पुदीना, फिर इसकी मसालास, और अभी हम आलू डालती हैं, थोड़ी सी और भी फ्लोर डाल के हम इसको लाइक पकौड़े की जैसे फ्राई कर देंगे। ये भी हमारी दूसरा डिश है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा लंबा लंबा छोटी छोटी, फिर हमने इसको सूप में यूज कर लेंगे। गाइज मैंने इसको ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सारी दो मैंने ऐसे ऐसे लंबा लंबा पास्ता की जैसा बना लिया। इधर हमारी पनी है, वो टोमेटो पेस्ट ऑनियन मैंने उसको फ्राई करके और पनी डाल के ऐसे बॉईल किया। फिर हमने यही है ना ऐसे इसके अंदर डाल के जब डालते हैं ना उसी टाइम भी मिक्स करनी है कि ताकि वो चपक 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 ना हो। ऐसे अभी मैं ये सारी इसके अंदर डालती हूँ, फिर ये जब बॉईल होगा ना उसके बाद हमने इसके अंदर ये वाला डालना है। आपको पता है इसको क्या है, ये ग्रीन चना दाल है। हाँ, ये दाल डाल के फिर खाना है। इधर भी बहुत बारिश हो रही है एंड अभी मेरी किचन में काम ही ख़त्म हुआ। ये चीज़ें रह गया था ना हमने खाना बनाने में, अभी ये चीज़ें जाके बहन से को देना है, वो खाती है अच्छा से। अभी चले, बारिश भी बहुत तेज़ हो गया। पहले तो बारिश इतना ही नहीं था, इसके बाद जाके मैंने वो चिकन की देख के अंडे वगैरह भी लेना है। अभी बस 10 मिनट रह गई है, हमने सूफला बनाना है। थोड़ा अभी हम जाके चीजें लेके आएंगे, बस 10 मिनट के बाद इफ्तारी हमारी। एंड अम्मी, मेरी नखरे वाला अम्मी अभी भी बात नहीं करता ना, फिर ना नूडल्स ना सीख दियो। सलाम सलाम गुंडर मिक्स टू हमस ओके से सलाम kime kime selam gönderiyorsun? Herkese. İzleyene. Tamam. Ami kere kon ye video watch karte main sabko selam deti hu. Tamam. Ye bhi hai hamare dry fruits ka hum isko compost ko kehte hain, lekin ye dry fruits ka juice ki jaisa hai. ये इफ्तारी में बहुत होती है। ये लेमन्स हमारी सूप के लिए, ये भी हमारी सूप है। अभी लाइक टोटल 6-7 बंद है। ये सूप भी इतना मज़े का लगता है, लेकिन ये सूप कैसे मज़े का है ना लेमन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अजान हो गया। अल्लाह आप सब लोगों का इफ्तारी सब चीज़ें दुआओं कबूल कर दे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन डाल के खाना। गाइस सबसे मुश्किल रोज़ा मेरी नीस ने रखा है, अभी खाना खाती है। कैसा था आपका रोज़ा इकरा? हम चाय डालती हैं, फूल नहीं डालती हैं, आधा ये चाय, फिर हम आधा भी गरम पानी डालती हैं। ये बहुत हेल्दी होती हैं और बिलीव मी वो खाना के बाद हम ये पीती है ना सारे हजम वगैरह हमारी हो जाती है। उसके बाद में हम डालती हैं गरम पानी, इसके साथ हमारी डेट्स और लेमन है, क्योंकि हम चाय लेमन के साथ पीती। ये थोड़ी सी
पठान की कल्चर है, मुझे पता है हम भी ऐसा करती हैं। और इसके साथ हम स्वीट नहीं खाते क्योंकि बहुत हैवी होती है। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह हम मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़ अने इंशाल्लाह।